आज हम रियल लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम पर एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट आइडिया बनाएंगे जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है पर करता कोई कुछ नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के किसानों के बारे में। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है अक्सर जब हम लोगों को कहीं बाहर जाना होता है या हमारे यहाँ शादी होती है तो उस टाइम पर हम अपनी फसलों को सही तरीके से पानी नहीं दे पाते हैं और उससे जो नुकसान होता है उससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति पर इफेक्ट पड़ता है वो आप सब समझ सकते हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बनाएंगे ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें जब किसान अपने खेत पर नहीं है तो उसकी खेत पर ऑटोमेटिक पानी पहुंचने लगेगा और फसल फलती फूलती रहेगी। और इस आइडिया को आप इस वीडियो में देखेंगे इतनी आसान तरीके से कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोजेक्ट को बना सकता है। और इसे बनाने का पूरा मटेरियल दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर या अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर सारा मशीन पार्ट्स कंपोनेंट्स इसे बनाने का डेकोरेशन मटेरियल सब कुछ निकलेगा और इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अमेज़न। और प्रोजेक्ट बनाना है तो चाहिए होगा एक प्लाईवुड, तो प्लाईवुड ले आएंगे हम अपने कारपेंटर की शॉप से। तो ये प्लाईवुड ए इस टाइप के प्लास्टिक के बॉक्स दो निकलेंगे आपके, ठीक है दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइज में रख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मतलब कि अपनी खेती दिखाएंगे, ठीक है। तो इसे नाप लेते हैं, इस तरीके से नाप लिया हमने। तो देखो हमने अपनी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हमें बॉक्सेस लगाने होंगे तो ये बॉक्सेस हम यहाँ से काट देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं, ठीक है। ये इस टाइप से हम यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल फिक्स और यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे। तो देखो ये दोनों हमने चिपका दिए हैं, ठीक है, ये हमारे परफेक्ट चिपक गए। और फिर हम इसे इस तरीके से ऐसे डाल देंगे, एक हम एक ऐसे डाल देंगे और एक हम ऐसे डाल देंगे। तो देखो ये बॉल्स, ये पाइप, पाइप्स किस साइज के रखे गए हैं, इस साइज के, देखो बिल्कुल सेम, जिससे मतलब कि ये मतलब कि इससे ऊंचा ना हो रहा है। और इनकी ऊपर मतलब कि इस तरीके से ग्लूगन लगाई गई है, इनके ऊपर इस तरीके से ग्लूगन लगाई गई है, ठीक है, चारों तरफ, और फिर इस तरीके से चिपका दिए गए। तो देखो ये सॉइल सेंसर, ये है हमारा रिले मॉड्यूल। याद रखें सॉइल सेंसर को डायरेक्ट हम रिले मॉड्यूल से कनेक्ट कर देंगे जिससे सॉइल सेंसर मिट्टी की नमी को लेकर, यदि कम है नमी तो रिले मॉड्यूल को दे देगा। और आप सभी को पता है रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच, तो वो एक स्विच की तरह काम करता है जो वाटर पंप के पावर सप्लाई को ऑन कर देगा। और वाटर पंप हमारे गमले में या जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें खेत है जो शो कर रहे हैं उसमें पानी देना स्टार्ट कर देगा, जैसे मिट्टी गीली होगी पानी को रोक देगा। इसमें कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताऊं, इंटरनेट पर इतने सारे प्रोजेक्ट हैं सब में कोडिंग्स है, हैं। बच्चे हैं या कोई बड़े हैं जिन्हें कोडिंग्स नहीं आती वो बना ही नहीं पाएंगे। ये इतना आसान कर रहा हूं मैं कि चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहां कैसे बनाना है। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग कर डायरेक्ट कर बस कनेक्शन करना है और प्रोजेक्ट रेडी, कैसे चलो देखते हैं। रेड को प्लस समझेंगे और ब्लैक को माइनस समझेंगे, बीच से हम काट देंगे बस, ठीक है। और इन दोनों को बीच से काटने के बाद जोड़ना भी है हमें, और इन दोनों के बीच से हमें दो वायर भी ले जाना है, ब्लैक और रेड, जिससे हमारी ये जम्पर वायर बड़ी रहे। तो अब हम इसके ये हमने जो बनाए हैं, ठीक है, ये VCC जोड़ेंगे हम किसके मतलब कि प्लस पॉइंट में। VCC जैसे कहते हैं उसे प्लस कहते हैं, इसीलिए रेड वायर हमने प्लस रखा है। यहाँ पर भी VCC होगा, हर एक मॉड्यूल में VCC होता है वो GND। तो VCC पॉइंट पर जहाँ पर VCC लिखा है ये रेड वायर जोड़ देंगे, और जहाँ पर GND लिखा है, GND मतलब होगा माइनस वायर, ठीक है, तो उसमें हम माइनस जोड़ देंगे, ठीक है, ब्लैक हमारा।
और बची हुई इसकी तीसरी पिन, यहाँ तो दो पिन है याद रखें, यहाँ पर दो पिन है, यहाँ एक पिन है, तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ना एक ही पिन है, तो हम सबसे पहले अपने रिले मॉड्यूल में जोड़ेंगे, ठीक है, जो खाली पिन है, ठीक है, तो यहाँ की तो तीनों भर गई, हमें रिले मॉड्यूल की तीनों भरनी होंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक बची हुई है, इसे इसी के पास में जोड़ना होगा, ठीक है, मैं यदि पिन बताऊंगा तो उसमें कन्फ्यूजन होगी, तो इसी के पास में जोड़ देना होगा, और अब हो गया है हमारा पूरा सर्किट मतलब कि परफेक्ट वर्किंग के लायक, ठीक है। तो अब इसकी फाइनल टेस्टिंग देखते हैं। तो अब रेड हम प्लस, यहां पर प्लस लिखा रहता है उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, और माइनस हम ब्लैक वायर में जोड़ देंगे, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये है गीली मिट्टी टाइप का, तो इसमें जैसे ही डालूंगा देखो कैसे पता चलेगा, ये देख रहे हैं, मतलब कि दूसरी लाइट जल रही, मतलब कि यदि मिट्टी गीली होगी तो हमारी दूसरी लाइट जलती रहेगी, सर्किट पूरा ऑफ रहेगा। जैसे ही मिट्टी सूखी होगी मतलब कि ये सूख गई तो ऑटोमेटिक ये बंद हो गया, ये यहाँ पर भी बंद हो गया, तो वाटर पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सिस्टम, अब हम वाटर पंप बनाते हैं। देखिए हमें छोटे से गमले या प्रोजेक्ट में यूज करना है, इसलिए हम डीसी वाटर पंप करेंगे यूज, वरना बड़ा करेंगे तो गमला पूरा बह जाएगा, ठीक है। इसे इस तरीके से चेक कर लेंगे चल रहा है या नहीं। उसके बाद चेक करने के बाद हमें क्या करना होगा, अपने सर्किट के बीचों बीच, ठीक है, या तो रेड वायर दे देंगे या ब्लैक वायर दे देंगे इसका, ठीक है। तो रेड वायर हमने यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है, दूसरा रेड वायर हम लाएंगे, दूसरा यहाँ जोड़ देंगे। तो देखो हमने ये कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक में हम मतलब ये वाटर पंप की सप्लाई है आप देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ जोड़ देंगे, ये चालू हो गया, ठीक है, यहाँ हम जोड़ेंगे, ये भी हमारा चालू हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमें दोनों की सप्लाई एक ही बैटरी में नहीं देना है, अदरवाइज जब ए ऑन होगा ए ऑन होगा तो बिल्विंग होगी, सही तरीके से वर्किंग नहीं, तो एक से हम यहाँ जोड़ देंगे, हम आपको दो देंगे, ठीक है, बैटरी, तो दूसरा बैटरी में, ठीक है, हम ए वाला जोड़ देंगे। याद रखें ये जो खाली बच रही है, ठीक है, एक पिन खाली, इसे चार्जिंग के लिए, एक चार्जर मिलेगा जैक पिन, वो यहाँ लगा दूँ तो इसमें पावर जाती हुई यहाँ पर भी जाती रहेगी, लाइट आ रही, और जब लाइट नहीं आ रही होगी तब ऑन रहेगा, ये इन्वर्टर सर्किट वेस्ट बन जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, या हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पर अपना ए लगा देंगे, हमारा ऑन हो गया, क्यों, क्योंकि इसे नमी नहीं मिल रही है, तो नमी के लिए ए आया और ए बंद, मतलब कि गीली मिट्टी में गई हमारा प्रोजेक्ट बंद, और सूखी मिट्टी में गई ऑन, गीली सूखी गीली। पहले तो हम इसे सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं एक बार और टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। तो देखो ए वाले मतलब कि पाइप्स को हमने लगा दिया है बिल्कुल फिट, अब हम फाइनल टेस्टिंग एक बार करके देखेंगे। ए वाला मैं एक बैटरी में कनेक्ट कर दूंगा और दूसरा वाला मैं दूसरी बैटरी में कर दूंगा, और ए हमारा पानी आना स्टार्ट हो गया, और पानी जैसे ही भरा, सिर्फ छोटी सी क्यारी बनाई है जिससे मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट कई सेकेंडों तक ना जाए, मतलब कि घंटों में सूखे घंटों में, देखो पानी आ रहा है, पानी जैसे ही नीचे बैठ रहा है मतलब मिट्टी सूखी जा रही है, दोबारा पानी आने लगा, वैसे ही मिट्टी सूख रही दोबारा पानी आने लग रहा है, ना एक अमेजिंग। तो सेम टू सेम हम दोबारा दूसरा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, बनाकर सारा सामान मिला होगा, कुछ चेंज नहीं करना है, पूरा का पूरा सिम बनाकर इन दोनों में कनेक्ट कर देना है खाली बची, बस, ठीक है। तो सिम टू सिम अब हम बनाते हैं। तो देखो दूसरा वाला सिस्टम भी लग गया है सेम, तो देखो पानी जैसे ही टच हो रहा है, ठीक है, पानी रुक जा रहा, पानी जैसे ही टच हो रहा पानी रुक जा रहा, दोबारा पानी, जैसे ही मिट्टी सूखेगी ऑटोमेटिक पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी लुक वाइज रहे इसीलिए यहाँ पर हम लोग घास मास लगा देंगे और इन बैटरियों को पीछे कर देंगे, तो घास लगाना शुरू करते हैं। देखो हमने घास लगा ली है, ठीक है, हमारी चेकिंग भी हो गई है, ठीक है, वर्किंग की, अब फाइनल वर्किंग चेक करेंगे। उसके पहले जस्ट ए यहाँ पर बैटरी और यहाँ पर डीपी वीपी, बाकी के हम मतलब नॉन वर्किंग पार्ट्स वगैरह डेकोरेट कर लेंगे, हम करेंगे अपने अनुसार, आप करोगे अपने अनुसार, या आप इसकी लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं डेकोरेशन, तो आपको किट बॉक्स के साथ तो मिलेगी दो तीन एक्स्ट्रा वीडियोस। तो अब हम करेंगे अपनी डेकोरेशन और इसके बाद देखेंगे अपनी फाइनल वर्किंग। तो देखो
मैंने कर लिया है इसे डेकोरेट, ऐसे लॉन्ग वीडियोस डेकोरेट करने की आपको किट बॉक्स जब आप बाय करते हो तो मिलती है और कई तरीके की मिलती है। तो ये कितना लुक वाइज लग रहा है जब आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीबिशन में शो करोगे तो टीचर्स ये पूछने जरूर आएंगे प्रोजेक्ट का उद्देश्य, मतलब कि आप करना क्या, बताना क्या चाहते हो। जब इसे आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूम में बताओगे तो आप फर्स्ट विनर जरूर रहोगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट को ऑन करने के पहले हमें पानी लेना होगा, इस पानी को आप पी भी सकते, सही है पानी, ठीक है, डालना है, ठीक है, यहाँ पर आपको भर देना है या यहाँ कुएं से भर सकते हैं आप, कि कुएं में धीरे धीरे डाल रहे, ठीक है, याद रखिए कहीं पर भी इतना पानी नहीं डाल देना है कि मतलब कि लेवल इतना हाई हो जाए कि पानी बाहर निकलने लगे, क्योंकि वाटर प्रूफ, बस सेंसर में पानी ना गिरे तो कोई दिक्कत नहीं। बस फिर हमें इन पिंस को इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, जैसा मतलब कि सेंसर में बताया गया, ठीक है, ऐसे। और देखो ये कितनी लुक वाइज लग रहा है, ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी आ रहा है और वो पानी रुक जा रहा है आना, फिर पानी आ रहा है, क्योंकि पानी नीचे जैसे ही बैठ जाएगा उसके बाद आएगा, ये घंटों में आएगा, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है इसलिए 10 सेकंड 5 सेकंड का अंतर है। अब आप इसकी वर्किंग देख सकते हो, तो देखो अभी आपने इसकी एक इनोवेटिव वर्किंग देख ली होगी, अमेजिंग और लुकिंग वाइज थी, आपने देख लिया होगा, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक बॉक्स खरीदना है जिसके अंदर सारे मटेरियल्स निकलेंगे, उस एक बॉक्स को बाय करने के लिए आपको दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर SMS करना होगा या हमारी वेबसाइट और Amazon की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर वहां से भी बाय कर सकते हैं। और ऐसी इनोवेटिव लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट आइडिया लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।